जल्दी जल्दी खेलो और ये गया तुम्हारा प्यादा। शाम के टाइम तुम यहाँ बैठकर चेस खेल रहे हो। जितना छोटा तुम्हारा कद है बस उतना ही काम करते हो। खुद तो काम करते नहीं, दूसरों को भी अपने साथ लगा रखा है। कभी चाय कभी पानी, काम के न काज के दुश्मन अनाज के। अरे काम नहीं करना है तो चलते बनो यहाँ से। हाँ हाँ जा रहा हूँ। जब देखो मेरी बेइज्जती करते रहते हो। एक दिन सबको बता दूंगा कि दिखने में मैं छोटा हूँ पर काम करूँ मैं बड़े बड़े। तुम सब देखना, अब मैं ऐसा काम करूंगा कि सब देखते रह जाएंगे। और तुम इंजीनियर, तुम्हारे तो होश ही उड़ जाएंगे। बहुत आए तुम्हारे जैसे और चले गए। अब निकलो यहाँ से। आज अंडर वाटर टनल का इनॉग्रेशन है। मंत्री जी इनॉग्रेशन करने वाले हैं। इस टनल से वीनस सिटी जाने का रास्ता बहुत छोटा हो जाएगा। नाना नानी भी आज मंत्री जी के पीछे पीछे जाने वाले हैं। चलो हम भी चलकर देखते हैं। तुम लोगों ने बहुत काम कर लिया, अब मेरी बारी है। कैसे हो इंजीनियर? दिखने में मैं छोटा हूँ पर काम करूँ मैं बड़े बड़े। क्यों शौक गए ना? बड़ी बेइज्जती की तुमने मेरी। अब देखना मैं तुम्हारे अरमानों पर कैसे पानी फेरता हूँ। ये जो तुम्हारा अंडर वाटर टनल का सपना है अब सपना ही रह जाएगा। तुम्हारे सालों की मेहनत टाइगर की एक साल में ही खत्म। टाइगर तुम ये क्या कर रहे हो? देखते जाओ क्या कर रहा हूं मैं। हेलो एवरीबॉडी, आई एम टाइगर, छोटा टाइगर। दिखने में छोटा हूँ पर काम करूँ मैं बड़े बड़े। मंत्री जी टनल का इनॉग्रेशन तो बड़ी धूमधाम से हो गया पर अफसोस आपकी यात्रा मंगलमय हो ऐसा मैं नहीं कह सकता क्योंकि अब धूमधाम नहीं धूमधड़ाम का समय आ गया है। इनॉग्रेशन तो आशा था, अब मेरा डिस्ट्रक्शन देख लो। ये सब क्या है? कौन है ये आदमी? ये रही मेरी पहली चाल। और ये रहा सेकंड में। ये ब्लास्ट कैसा है? जल्दी चलो। मंत्री जी ये सेकमेट है, अब कुछ नहीं हो सकता। आपके मनोरंजन के लिए एक फिल्म चला रहा हूँ, देखे और अपना फीडबैक देना ना भूले। कैसी लगी ये फिल्म? आप लोगों का भी कुछ ऐसा ही हाल होगा अगर मेरी बात नहीं मानी। क्या चाहिए तुम्हें? मंत्री जी मेरे लिए 50 करोड़ रुपया और एक हेलीकॉप्टर का इंतजाम करवा दीजिए ताकि मैं हमेशा के लिए देश छोड़कर कहीं ऐसी जगह चला जाऊं जहां कोई मेरा मजाक ना उड़ाए वरना। रुको। लड्डू सिंह जी क्या हो गया? ब्लास्ट, लड्डू सिंह के इलाके में ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट कैसे हो गया, क्यों हो गया समझ नहीं आया पर हो गया ब्लास्ट। शिवा टनल के अंदर ब्लास्ट हुआ है, हम अंदर बंद हो गए हैं, किसी की हेल्प मांगो। नाना जी आप चिंता मत कीजिए मैं कुछ करता हूँ। लड्डू सिंह जी, टाइगर ने कंट्रोल रूम पे कब्जा कर लिया है। कुछ भी करिए
वरना टनल के अंदर फंसे लोगों को निकालना मुश्किल हो जाएगा। सर, अंदर जाने का कोई रास्ता है? ये टनल है और इसके ऊपर ये खाली स्पेस है जिसमें चल के टनल के एग्जॉस्ट फैन और एसी एटसेट्रा रिपेयर होते हैं। ये साइड में सर्विस टनल है, गुंडे इसे लेजर गन के साथ गार्ड कर रहे हैं। और ये टनल का दूसरा साइड ये है, इधर ये एग्जॉस्ट फैन से खींची हुई हवा बाहर निकालने के लिए है। ये रास्ता यहाँ ऊपर एग्जॉस्ट फैन के ऊपर निकलता है। ये एक ही रास्ता है अंदर जाने का। एग्जॉस्ट फैन वाला ही रास्ता है अंदर जाने के लिए, चलिए। ए हे बच्चे, क्या कर रहे हो? बच्चा नहीं कहना अंकल। शिवा, शिवा नाम है इसका और मैं हूँ लड्डू सिंह। यू आर अंडर अरेस्ट। निशाना एकदम गलत है। लड्डू सिंह जी, जल्दी आइए। तुम घबराना मत शिवा, मैं बस तुम्हारे पीछे ही हूँ। अरे कहाँ चले आ रहे हो भाई? अरे जाओ कहीं और जाके पैसे मांगो, इधर पहले से ही इतना टेंशन है। मैं पैसे नहीं मांगने वाला, मैं लड्डू सिंह हूँ। लड्डू सिंह सर, आपको क्या हुआ? टनल में जाना है तो इस फैन के बीच से ही निकलना होगा, और कोई रास्ता नहीं है। आ तो गए हो शिवा, लेकिन बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। सर, कोई ना कोई रास्ता तो होगा। ए, तुम कौन हो बशे? बच्चा नहीं कहना अंकल, पास में आओ फिर अपना नाम बताऊंगा, पहले मैं इन सबको बचा लूं। इन सबको बचाओगे कैसे? इस शतरंज के सब मोरे मेरे हाथ में है। चलो देखते हैं तुम्हारी चाल क्या है। चलो अपनी चाल। आप लोग संभाल कर यहाँ से निकलिए, और कोई रास्ता नहीं है भागने के लिए। ओ, तो तुम्हें लगता है तुम बच सकते हो? ये लो मेरी अगली चाल। <गुण। laughs>
शरीफ टनल वाले साथी, जाओ और उस बच्चे को पकड़ो, उसे निकलने मत दो। नाना नानी, आप लोग निकल जाइए। पकड़ो। करने में मजा आएगा अंकल, वो सब तो चले गए। हेलो अंकल, आपकी चाल फेल हो गई। ये छोटा बच्चा बहुत तेज है, इसे पकड़ के रखो। मैं आ रहा हूँ। दिखने में मैं छोटा हूँ पर काम करूँ मैं बड़े बड़े। वो ये रहा मेरा शेकमेट बॉस। अब बोलो क्या कहना है। बच्चा नहीं कहना अंकल। शिवा,
शिवा नाम है मेरा। अगर मैं नहीं बचा तो तुम भी नहीं बचोगे। ये टाइम बम अब एक मिनट में फट जाएगा और डैम का पूरा पानी इस टनल में घुस जाएगा। चाहो तो भाग के जान बचा लो और मैं भी चुपचाप चला जाऊंगा, वरना दोनों एक साथ खत्म होंगे। मैंने मैदान छोड़ के भागना नहीं सीखा अंकल। मेरे सारे प्लान चौपट नहीं कर सकता। टाइगर अंकल, इसे कहते हैं चेक एंड मेट। और किसी को लड़ने का मूड है? हम बच्चों से नहीं लड़ते। सवाना क्या कहेगा? लोग हम पे हंसेंगे कि एक बच्चे से मार खा गए। मंत्री जी, ये सब कैसे हुआ? मैं बताता हूँ। मंत्री जी की जान खतरे में देख के मैंने अपनी जान खतरे में डाल दी। जोकिंग जोकिंग, मैंने अपनी जान खतरे में डाली लेकिन मैं भी फंस गया और शिवा ने हम सब को बचा लिया। Three cheers for Shiva! Hip hip! Hooray! Hip hip!